दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और सभी अपने घर में क्या इस बार नया लेकर आने वाले हैं ये भी सोचने में लग गए हैं। वहीं बात करें धनतेरस की, तो धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा मानी जाती है। इस दिन कहते हैं कि घर में कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार धनतेरस 25 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। वहीं मान्यता ये भी है कि इस दिन जो भी कुछ खरीदा जाता है उसमें लाभ होता है और धन संपदा में इजाफा भी होता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं अब बताते हैं आपको धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा, शुभ समय क्या होगा, ये भी बताते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि 25 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी और धनतेरस के दिन लक्ष्मी के साथ साथ पूजा की जाती है धन्वंतरी की। जी हाँ, मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे और धन्वंतरी के हाथों में अमृत से भरा कलश था। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। धनतेरस के दिन पूजन मुहूर्त होगा शाम को 7:08 से 8:14 तक। जी हाँ, वहीं बात की जाए निवेशकों की, तो निवेशकों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है। बता दें कि धनतेरस के दिन कमाई का पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिए और इस दिन शेयर बाजार में मुनाफा कमाना आसान नहीं होता है। वहीं बाजार में निवेश को लेकर हमेशा ही दुविधा बनी रहती है कि पैसा बनेगा या फिर डूबेगा, लेकिन इस बार बाजार के उतार चढ़ाव में भी मुनाफा कमाने का मंत्र आ गया है। आपको बता दें कि इस बार धनतेरस से पहले ही पोर्टफोलियो तैयार कर लीजिए और बता दें कि आपको क्या क्या कुछ खास मिलने वाला है धनतेरस को। तो धनतेरस को बता दें कि आप धनतेरस के दिन सोना खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, आप इस दिन सोना खरीद सकते हैं। वहीं बात की जाए ऐसी कई चीज़ों की, तो धनतेरस के दिन आप अक्सर घर में एक नया सामान लेकर आते हैं। जी हाँ, चाहे वो बर्तन ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने से काफ़ी शुभ माना जाता है। यदि आप धनतेरस के दिन कुछ नया खरीद रहे हैं तो बेहद ही शुभ होगा आपके लिए। वहीं अगर बात की जाए शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में भी काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। इसमें आप क्या खरीद सकते हैं और क्यों खरीदें ये भी आपको बता दें। जी हाँ, बिजनेस वालों के लिए बात की जाए शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की, जो कि रुपये है 185.50 रुपये, और अगर सलाह दी जाए तो इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। 250 रुपये के टारगेट के साथ इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसे क्यों खरीदें। आपको बता दें कि आय का 70% हिस्सा छोटे शहर और गांव से है। कमजोर मांग के बावजूद इसके नतीजे स्थिर हैं और जो कि हैं Q1 FY20। जी हाँ, इंफ्रा खर्च करने बढ़ाने में हाउसिंग मांग सुधारने से वॉल्यूम भी बढ़ेंगे। वहीं बात करते हैं सिप्ला की, सिप्ला की बात की जाए तो ये है 408.30 रुपये। जी हाँ, सलाह के लिए आपको बता दें कि 500 रुपये का टारगेट लेते हुए सिप्ला के स्टॉक को खरीदारी में शामिल कर सकते हैं। वहीं पिछले एक साल में शेयर 34% गिरा है। वहीं 5 साल में सबसे आकर्षक वैल्यूएशन पर कारोबार है। ट्रेड जेनरिक्स सेगमेंट में रिवाइवल की उम्मीद भी है। थर्मेक्स की बात की जाए तो 1130 रुपये है और हमारी ये सलाह है कि आप इसे खरीद सकते हैं, जिसका लक्ष्य है 1300 रुपये। वहीं भारत में कंपनी की अच्छी पेठ बनी हुई है, विदेश में भी कारोबार बढ़ाने पर फोकस बना हुआ है, ऑर्डर बुक करने में लगातार सुधार देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप इसको खरीद सकते हैं। अगर इंगरसॉल रैंड की बात की जाए तो इंगरसॉल रैंड है 619 रुपये और इसका लक्ष्य है 750 रुपये और सलाह के लिए है कि आप इसे खरीद सकते हैं। बता दें कि पेरेंट कंपनी से टैक्स सपोर्ट से अच्छा फायदा है। कंपनी की वित्तीय स्थिति काफ़ी मजबूत है। वहीं कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग में देश की लीडर कंपनी है। जी हाँ, इस बार दिवाली पर देखा जाए तो आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं जो कि आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ, शेयर बाजार में इन चीज़ों की बेहद ज़रूरी है और जो इन चीज़ से जुड़े हुए हैं वो इस पर ध्यान दे सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो आप पर धन की वर्षा होने वाली है और आप समय के मुताबिक इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।